Hello students, so we are discussing periodic classification of elements, and in that we have already discussed about the need of periodic table, what is the need of periodic table, and we are discussing about the history of periodic table, and in that sub important part we already discussed the Daubernier triads. So this already we discussed, and we are discussing the history, how we came to the modern periodic table which you are seeing today. So there are events of inventions, the discoveries which had happened. So let's start with our today's topic is Newlands Law of Octaves. So basically, if you see, my dear friends, the attempt of Daubernier, you know, we already saw what Daubernier did. You know, his attempt actually encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses. इसका मतलब क्या है बेटा कि जो डॉबर्नियर ने जो इन्वेंशन उन्होंने किया उससे बाकी सबको बहुत प्रोत्साहन मिला क्या करने के लिए कि अरे हम भी देखते हैं कि जो बाकी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास से कैसे रिलेट करता है. और अगर आप देखेंगे इनका बहुत सिंपल मॉडल था, यही है डॉबर्नियर ट्राइड्स का. ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पहले वीडियो देख लीजिए पूरा समझिए, जहां आपको समझ नहीं आता हमसे प्रश्न पूछिए, और उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक भी पढ़िए और उसके बाद आपका होमवर्क कीजिए. तो अगर आप देखेंगे तो जो ये डॉबर्नियर ट्राइड्स था, इन्होंने क्या किया था, तीन ग्रुप बनाए. देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन का. तो इन्होंने ये तीन ग्रुप में टोटल नौ एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया था. और जस्ट फॉर ए रिविजन, डॉबर्नियर ट्राइड्स क्या करता है, ये एलिमेंट वन जो है और एलिमेंट थ्री है, इन दोनों का एवरेज निकालता है मास का. अगर आप देखेंगे यहां पे क्या कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है लिथियम और पोटेशियम के मास का डिवाइड बाय टू करके. फिर जो उसको ये मास मिलता है एवरेज करके, वो उसने देखा कि वो एक्चुअल मास के बराबर था. तो ये उनका एक अनुमान था जो उस सीरीज के हिसाब से उन्होंने इसको डॉबर्नियर ट्राइड्स बोला. तो वैसे ही उन्होंने कैल्शियम का भी देखा, कैल्शियम और बेरियम का मास का उन्होंने एवरेज लिया, तो देखा तो स्ट्रोनियम के मास के आसपास बराबर था. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉबर्नियर ट्रेट्स आखिर था क्या, एलिमेंट वन और एलिमेंट थ्री का एवरेज लेके जो मास मिलता था उनको वो बराबर था एक्चुअल मास ऑफ एटॉमिक जो बीच का जो एलिमेंट था. तो अभी जो डॉबर्नियर तो एनकरेज कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, इन 1866 उसके बाद दिया ये जो था, हम आज ये डिस्कस करने वाले न्यू लैंड्स ऑक्टेव्स. तो इन 1966 जो जॉन न्यूलैंड था, उन्होंने क्या किया, ही अरेंज देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है, वन है, लिथियम का सेवन है, फिर बेरियम का क्या है, फिर बेरियम का नाइन है, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 12 है, फिर नाइट्रोजन का 14 है, इसका 16 है, इसका 19 है. फिर तो अगर आप देखेंगे इन्होंने कैसे अरेंज किया, उनका मास जो इंक्रीज हो रहा था वैसे ही किया. फिर सोडियम का 23 है, तो मतलब यहां से ये इंक्रीज हो रहा है मास, ऐसा इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने ऐसे अरेंज किया. देखो वही ये कहने का मतलब, उन्होंने कैसे किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो सबसे छोटा पहले रखा और जो सबसे उससे बड़ा मास था वो उसके आगे रखा, उसके आगे ऐसे उन्होंने पूरा अपना ये जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स बोलते हैं इसको. तो इसको ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ऑक्टेव्स का मतलब होता है आठ. क्या होता है, आठ, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. तो ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट मास हाइड्रोजन एंड विद द थोरियम विच वॉज दिस 56th एलिमेंट. तो बेसिकली टोटल इन्होंने कितने 56 एलिमेंट्स का ये ऑक्टेव्स हमको न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स मॉडल दिया था. तो उन्होंने क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या थी उनकी, ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आठवां एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी सिमिलर था पहले के. तो ही कंपेयर टू दिस द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक. जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा, जैसे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये फ्लोरीन एट है. तो जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इन दोनों का प्रॉपर्टी और सेम है,
क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं और ये ग्रुप में कब आता है, आठवें नंबर के, आठवें के बाद आता है। इसलिए न्यूलैंड्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, और जो हमारे सुर हैं अगर आप देखेंगे सारे गामा पादा निशा, आठवां वापस रिपीट होता है फिर, तो उसी प्रकार उन्होंने बोला जो एटॉमिक मास से मैंने जो अरेंज किया है, जब जो आठवां एलिमेंट में वापस रखता हूं तो वो उसका रिपीट होता है जो उसने पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के रिलेटेड, तो ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने ये फाउंड किया कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। अभी आप कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये डोरा मी क्या है, इसे घबराइए मत, जैसे हमारा सारेगामा है वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक में डोरे मी फा सोला ती डो है, तो वही रिपीट करता है, आठवां जो सुर है वो रिपीट करता है, इन्होंने भी वही ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए उन्होंने उसको नाम क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम कैसे आया, जो आठवां एलिमेंट था वो रिपीट कर रहा था प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। समझा आप यहां तक? चलो रिविजन के लिए देखते हैं, जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने वन पे रखा, फिर टू को रखा लिथियम पे, थ्री फिर फोर फिर फाइव पे रखा कार्बन को, फिर सिक्स फिर सेवन पे रखा ऑक्सीजन को, फिर एट पे रखा उन्होंने फ्लोरीन को, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे। तो अभी उन्होंने क्या देखा, फिर एट, फिर नाइन्थ पे रखा उन्होंने सोडियम को, फिर टेंथ पे रखा मैग्नीशियम को। तो उन्होंने क्या फाइंडिंग है, जो वन और एट पे जो एलिमेंट आ रहा है इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, टू और नाइन पे जो एलिमेंट आ रहा है इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ये देखो जैसे ये आ रहा है एट और नाइन पे, और ये इस पे आ रहा है, ये इस पे आ रहा है, फिर थ्री और टेन पे जो आ रहा है इसका प्रॉपर्टी, इन सबका प्रॉपर्टी सेम है। तो ये उनका फाइंडिंग था कि जो आठवें पे आ रहा है आठवां वाला वो ऑक्टेव्स रूल फॉलो कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने नाम इसको दिया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। समझे बच्चे अभी तक यहां तक आप लोग? और इन्होंने कितने ग्रुप बनाए, अगर आप देखेंगे इन्होंने टोटल सात ग्रुप बनाए हैं। और फिर लेकिन बेटा इसका कुछ लिमिटेशंस भी था, जैसे डॉबर्नियर ट्रेट, डॉबर्नियर ट्राइट्स का कुछ लिमिटेशन था, वैसे ही न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव का भी लिमिटेशंस था। तो क्या था वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आर एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल हो रहा था लॉ, उसके आगे लॉ करता ही नहीं था, मतलब ये इतना ही एप्लीकेबल था लॉ, इतना ही कैल्शियम तक ही, उसके आगे ये लॉ काम नहीं कर रहा था। क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कैल्शियम के आगे जैसे जो सीरीज है क्रोमियम, या अपना क्रोमियम है, ये क्रोमियम है और ये ट्रीरियम है, सीरियम है, लेंथेनियम है, ये इन तीनों का प्रॉपर्टी अलग है, ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो इनका सब कुछ तो कैल्शियम तक तो परफेक्ट जा रहा था, लेकिन उसके आगे ये गड़बड़ हो रहा था, इनका ये मैच ही नहीं कर रहा है, और ऐसा ही नहीं था, बहुत कुछ था। और इट वॉज अज्यूम दैट न्यूलैंड दैट 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, मतलब उनको लगा 56 एलिमेंट्स ही, अरे अभी तो 118 एलिमेंट हमारे पास, लेकिन फिर जब बाकी न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उनका प्रॉपर्टी फिट ही नहीं हुआ, तो ऐसा बहुत सारा रिस्ट्रेन हो गया इनके लॉ में। और दूसरा, न्यूलैंड एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, आपको दिख रहा होगा कोबाल्ट और निकिल को रखा है, और फिर सीरियम और लैंथेनियम को रखा हुआ है, एक साथ में एडजस्ट करने की कोशिश की है, बट ऑल्सो लेकिन प्रॉब्लम क्या था उसका, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वो अनलाइक एलिमेंट्स है, जैसे जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और कोबाल्ट और निकिल आपका क्या है, मेटल है, लेकिन उसने इन दोनों को इसी ग्रुप में रखा हुआ है, आप समझ रहे हैं, मतलब कहीं तो गड़बड़ कर दिया उसने, कोबाल्ट निकिल और क्लोरीन अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्लोरीन नॉन मेटल है, कोबाल्ट और निकिल मेटल है, तो यहां पर वो एडजस्ट नहीं कर पाया। और वो ये भी अगर आप देखेंगे सोडियम और पोटेशियम, जो सोडियम और पोटेशियम भी है, इन दोनों का अगर आप देखेंगे ये बहुत रिएक्टिव है, लेकिन उसी प्रकार आप कॉपर को देखेंगे तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, तो मतलब उसने उन्होंने इसने सीरीज इसमें तो डाल दिया, लेकिन वो एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को भी मैच नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो अगर आप देखेंगे अपना आयरन को, उसका प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रहा है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी में है ही नहीं। हाँ अगर आप देखेंगे आयरन को,
आयरन देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और फिर आयरन मेटल है, तो उसको भी उन्होंने उस सीरीज में रख दिया है। तो मतलब देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए तो इन्होंने कैल्शियम तक तो इनका सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये मैच नहीं कर पा रहे थे। और यही जैसे आयरन रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी को, आयरन किसको करता है कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी और आयरन के साथ मैच करती है, लेकिन उन्होंने इसको इधर डाल दिया और आयरन को उधर डाल दिया, और जो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं उनको एक जगह डाल दिया, तो ये सब लिमिटेशन था इनका। और नोबल गैस जब क्रिएट हुए तो ये जो ऑक्टेव्स रूल था ये इरेलीवेंट हो गए। क्यों? क्योंकि अभी उनको वो इधर डालना पड़ा, सब नाइन्थ ग्रुप बनाना पड़ा, और अगर ये नाइन्थ ग्रुप बन गया तो ये इसको आप ऑक्टेव बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑक्टेव के हिसाब से आठवां और पहला सेम होना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक और एलिमेंट आ गया तो आठवां तो इधर ही आ गया, तो ये तो फ्लोरीन तो फिर नाइन्थ एलिमेंट हो गया, तो वो मतलब ऑक्टेव रहा ही नहीं फिर। तो इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव यू नो वर्क्ड वेल ओनली विथ लाइटर एलिमेंट्स। तो घबराइए मत, आपको अगर नहीं भी समझ आया मुझे वापस हम रिवाइज करेंगे, जो भी अब तक हमने पढ़ा लिमिटेशंस का इसको भी वापस रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। जो इसका पहला जो लिमिटेशन जो उसने क्या बोला था, इसका जो सिर्फ कैल्शियम तक ही इसकी गाड़ी चली, ये जो है ना ये देखिए आप, ये इतना ही इसका लॉ काम किया, ऑक्टेव का इतना ही काम किया, सिर्फ कैल्शियम तक उसकी गाड़ी बराबर चली, ये पहला उसका लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन क्या था, इसने सिर्फ 56 एलिमेंट्स का ही बनाया, 56 एलिमेंट्स का ही बनाया, क्या 56, लेकिन एलिमेंट्स का 56 हैं, आप भी तो 118 एलिमेंट्स हमको मालूम है, तो मतलब यहां पे भी वो फेल हो गए, उनको वो प्लेस ही नहीं कर पाएगा कहीं पे भी, समझे आप। तो ये सब लिमिटेशंस था उसका। और फिर क्या लिमिटेशंस था उसका, उसने क्या किया, उसने अगर आप देखेंगे कोबाल्ट और निकिल को ये दोनों है, इसको रख दिया क्लोरीन के साथ। अभी कोबाल्ट और निकिल क्या है, ये मेटल है, और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, लेकिन रखा है उसने एक ही ग्रुप में, मतलब इधर भी गड़बड़ की है उसने। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे आयरन और कोबाल्ट निकिल इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसने उन इसको ग्रुप एक में रखा है, उसको अलग रखा हुआ है, तो यहां पर भी वो फेल हो गया। तो ये सब उसके फेलियर्स थे जो उसको झेलने पड़े। और इतना ही नहीं, जब नोबल गैस आए, जैसे अभी नियॉन डिस्कवर हुआ तो नियॉन इधर लिखेगा, वो यहां पे नियॉन आएगा, तो मतलब उसके हिसाब से फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। तो मतलब लेकिन ये ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं हुआ, ये तो 9 पे आ गया, आपका वापस रूल हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो उधर इसका पूरा जो इसका बेसिस ही है जो उसको ये बोलता है ऑक्टेव, वही फेल हो गया। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व हमको आना चाहिए, जैसे वो पूछा जाता है एग्जाम में जो डॉबरनिया ट्राइड्स है, और क्या उसका कॉलम न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के साथ उसको कंपेयर कीजिए और फाइंड आउट करो उनके अंदर कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, कुछ सिमिलैरिटी बेसिकली। और दूसरा है लिमिटेशन, जो हमने पढ़ा था डॉबरनियर, और लिमिटेशन तो भी हमने किया न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स का। तो देखा जाए अगर आप देखेंगे डॉबरनियर ट्रेड्स, इसने क्या तीन एलिमेंट साथ में ग्रुप किए और तीन ग्रुप बनाए है कि नहीं, लिथियम सोडियम और ये। तो अगर आप देखेंगे जो पहला इसका लिथियम सोडियम कैल्शियम, अगर आप देखेंगे तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम इधर दिखता है हमको, मतलब जो पहला रूल है कि ये तीनों एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में देखने को मिलता है वो इधर देखो लिथियम है सोडियम है और पोटेशियम भी है, जबकि और दो एलिमेंट है लेकिन वो इसने यहां पे नहीं डाला, लेकिन पहला एग्जिस्ट करता है वो कॉलम। फिर दूसरा देखा तो कैल्शियम है स्टोनियम बैरियम है, तो अगर आप देखें अरे कैल्शियम तो दिख रहा है इधर और स्टोनियम भी दिख रहा है, लेकिन बैरियम नहीं दिख रहा है, बीए नहीं दिख रहा है, मतलब वो मतलब ये दूसरा जो कॉलम है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर तीसरा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आप बोलेंगे अरे क्लोरीन तो दिख रहा है सॉरी क्लोरीन तो दिख रहा है, देखिए क्लोरीन दिख रहा है और ब्रोमीन भी दिख रहा है, लेकिन आयोडीन नहीं है इधर। तो मतलब सिर्फ एक ही पहला वाला ही अगर देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है उनके साथ, फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है। तो ये वाला मैच कर रहा है जो इधर है, बाकी सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ दो ही हैं यहां पे
क्लोरीन है और ब्रोमीन है, आयोडीन है, मतलब सिर्फ एक ही मैच करता है, बाकी दो नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो बोल सकते हैं आपकी पहला जो उनका कॉलम है वो मैच करता है डॉबरनियर ट्राइड्स और न्यूलैंड ऑक्टेव्स के, बाकी दो मैच नहीं करते हैं। और इसके साथ हमने ये आज का जो टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है। अभी हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके और डिटेल्स देखेंगे। तो मेरा बच्चों आपका यही रिक्वेस्ट है, होमवर्क बराबर से कीजिए, वीडियोस बराबर से देखिए, आपको कहीं डाउट आता है पूछिए, वापस एक्सप्लेन करेंगे हम तो, लेकिन वीडियो प्रॉपरली देखिए और होमवर्क कीजिए ताकि आगे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आए।